वन वेलकम टू कारण क्रंच तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जी एस गुरिये को ठीक है उससे पहले मैं आपको बता दूँ इसके लिए हम कंसल्ट करें नितिन सांगवान सर की जो लेटेस्ट एडिशन है सोशोलॉजी की ठीक है वो वाली बुक क्योंकि नई बुक में पेपर बी में काफ़ी चेंजेज आई हैं तो वी के नॉट मिस आउट ऑन दैट अगर आपको इसके पी डी एफ चाहिए तो आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा जो मैं डिस्क्रिप्शन में जिसकी लिंक दे दूँगी जैसे ही हमारा यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट होता है तो मैं फर्स्ट चैप्टर का पी डी एफ वहाँ पे अपलोड कर दूँगी आप लोगों के लिए ठीक है क्योंकि आई अंडरस्टैंड की बुक काफ़ी कॉस्टली है सब नहीं खरीदना चाहेंगे एंड आपको शायद ऑनलाइन इसका फ्री पी डी एफ अवेलेबल कहीं पर नहीं मिलेगा मुझे तो नहीं मिला मैंने काफ़ी ढूंढा था तो स्टार्ट करते हैं आज इंडोलॉजी ऑफ जी एस घुरी बट बिफोर वी प्रोसीड फर्दर एज ऑलवेज से डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल सोशियलॉजी के आपके एग्जाम के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस दे आर इन लाइन और आपको अच्छा लगेगा ये चैनल सब्सक्राइब करके तो डू लाइक एंड कॉमेंट आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं मेरे ठीक है तो स्टार्ट करते हैं इंडोलॉजी ऑफ जीएस एस इंडोलॉजी का इंट्रोडक्शन हमने कल दे दिया था इसका हमने आ, बेसिक पढ़ लिया बेसिकली होता क्या है इट इज़ अ बुक व्यू जनरेट करने के लिए आपको अगर इंडियन सोसाइटी के बारे में पढ़ना है तो अर्ली स्कॉलर्स ने क्या किया था जो हिस्टोरिकल टेक्स्ट थे लिटरेचर डॉक्यूमेंट्स रिलीजियस टेक्स ट्रैवलॉग्स वगैरह उन चीज़ों पे फोकस किया था इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए और कोई फील्ड व्यू नहीं लिया था ठीक है तो उसको हम बुक व्यू बोलते हैं या इंडोलॉजी बोलते हैं इसके बाद इसका थोड़ा एडिशन आ गया क्लासिकल इंडोलॉजी जो प्योरली बुक व्यू था और उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाई अलग अलग थिंकर्स ने जैसे जी एस गुरे ने इसमें डिफ्यूजनस्ट एड किया डिफ्यूजनिस्ट ट्रेडिशन ठीक है ए आर देसाई ने इसमें थोड़ा मार्क्सिस्ट ट्रेडिशन ऐड किया तो वो आपके मॉडर्न इंडोलॉजी वाले पार्ट में आ गया जी एस गुरे को हम फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी भी बोलते हैं क्लासिकल इंडोलॉजी प्लस इनका अपना कुछ कॉन्सेप्ट उसमें इन्होंने ऐड किया गुरिये ने क्या ऐड किया था डिफ्यूजनिस्ट ट्रेडिशन ठीक है तो ये आपका जो कल लेक्चर हो गया था थोड़ा उसका पहले ओवरव्यू अब देखते हैं गोविंद सदाशिव गुरिये जी एस गुरिये इन शॉर्ट ये ब्राह्मण थे एंड ही वॉज अ ट्रेन संस्कृत स्कॉलर अपने इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को प्रमोट करने के लिए उन्होंने स्टडी किया वेदा शास्त्र पोइट्री ऑफ कालीदास अमंग अदर ट्रेडिशनल टेक्स्ट तो इनको इंडोलॉजिस्ट ही बोला जाता है तो बेसिकली इन्होंने टेक्स्ट पर ध्यान दिया पहला पॉइंट ठीक है तो जो भी टेक्स्ट हैं जिससे वो अंडरस्टैंड कर पाए इंडियन सोसाइटी को वो टेक्स्ट जो है उनने कंसल्ट किए थे वो इन्फ्लुएंस थे बाय वेस्टर्न स्कॉलर लाइक डब्ल्यू एच आर रिवर ही पाईनीड द इंडिजिनस मॉडर्न इंडोलॉजी जिसके लिए उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडोलॉजी भी बोला जाता है विच इम्प्रूव अपन द नैरोन सोसाइटी टेकन बाई क्लासिकल इंडोलॉजी ये हमने कल के लेक्चर में डिस्कस किया था क्लासिकल इंडोलॉजी में क्या हुआ था उन्होंने प्योर बुक व्यू जो है वो जनरेट करने की कोशिश की थी मोस्टली उसमें कौन से थे आपके जो आपके कॉलोनियल रूल जिनको यहाँ करना था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटर्स स्कॉलर्स वगैरह उन लोगों ने एक व्यू जनरेट करने की कोशिश की थी थ्रू क्लासिकल इंडोलॉजी वो क्या व्यू थी कि इंडियन सोसाइटी जो है ये स्टैटिक है सेल्फ सफिशेंट है ठीक है आइसोलेटेड है ऑर्थोडॉक्स है तो वो ये सब बोलते थे और इस व्यू पॉइंट को थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए जो है अलग अलग इंडियन स्कॉलर्स सामने आए थे जिसमें गुरिये ने एक काफ़ी अच्छा रोल एक की रोल प्ले किया था ठीक है उन्होंने काफ़ी बुक्स भी लिखी टू एनरिच द डिसप्लिन टू अ ग्रेट एक्सटेंट ही ऑल्सो एनकरेज एंड मेंटर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ जैसे आगे आप पढ़ोगे एम एन श्रीनवास को ए आर देसाई को एम एस एराव को इरावती कार वे आई पी देसाई काफी इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हैं काफी इंपॉर्टेंट थिंकर आपके इंडियन सोशोलॉजी के लिए तो बेसिकली वो कहीं ना कहीं गुरिय से भी इंस्पायर रहे हैं तो ऐसे करके आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि कितने इम्पॉर्टेंट स्कॉलर थे आपके इंडियन सोशोलॉजिस्ट जी एस गुरिय तो अब हम इनकी जो आइडियोलॉजी है वो पढ़ेंगे इसमें आप की पॉइंट्स याद रखना उससे आपको याद रखने में आसानी हो जाएगी कि इनकी बेसिकली आइडियोलॉजी तो किन किन पॉइंट्स को इन्हें टच किया था पहला आप इनका कल्चर याद रखो कल्चर जो है दैट इज़ अ सेंट्रल एलिमेंट थ्रू आउट हिज वर्क उनने अंडरस्टैंड किया सोसाइटी को सांस्कृतिक टेक्स से हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से आर्क्योलॉजिकल मटीरियल से ठीक एंड ऑल्सो सप्लीमेंटेड दैम विद थियरटिकल परस्पेक्टिव ये सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अप्लाई की अपने अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी के लिए उन्होंने क्या किया उन्होंने कंबाइन किया हिस्टोरिकल डिफ्यूजनिस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव एंथोग्राफी को पहले आप याद रखना कि मॉडर्न इंडोलॉजी थे दैट मीन क्लासिकल इंडोलॉजी प्लस उन्होंने उसमें एडिशन क्या लाया था एंथ्रो एंथ्रोपोलॉजिकल डिफ्यूजनिस्ट ट्रेडिशन या डिफ्यूजनिस्ट ट्रेडिशन जो है उन्होंने क्लासिकल इंडोलॉजी के साथ ऐड किया था ठीक है अब यहाँ देखो उनकी जो अप्रोच है उसको बोला जाता है कॉम्बिनेशन ऑफ हिस्टोरिकल क्योंकि उन्होंने कहा इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए आपको हिस्टोरिकल कंटेक्स समझना होगा कहीं ना कहीं अभी जो इंडियन सोसाइटी चल रही है ये कॉन्टिन्यूटी है ऑफ द पास्ट ठीक है तो आपको हिस्ट्री को जानना होगा इंडियन सोसाइटी जो है अटैच है अपने हिस्टोरिकल मूरिंग्स के साथ दैट मीन्स कहीं ना कहीं अभी हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं हिस्टोरिकल ऑर्डर्स है या हिस्टोरिकल जो सोसाइटी थी उससे आपकी सोसाइटी करंट अभी भी जुड़ी हुई है तो हिस्ट्री को जानो डिफ्यूजनज थे क्योंकि इन्होंने ब्रेक किया था मिथ वेस्टर्न स्कॉलर्स का जो बोलते थे इंडियन सोसाइटी स्टैटिक है इन्होंने कहा नहीं जो कल्चर है वो डिफ्यूज होता है एक जगह से दूसरी जगह तो इन्होंने डायनामिज्म लाने की कोशिश की थी इंडियन सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग में एंड डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी होता है जब आप किसी को स्टडी कर रहे हो तो उसको ऑब्जर्व करके स्टडी करो एक ऑब्जर्वेशन अकाउंट प्रेजेंट करो तो इन्होंने क्या किया था ऑब्जर्वेशनल अकाउंट दिया था सोशल एंड कल्चर लाइफ का इंडियन सोसाइटी फॉर्मेट में प्रेजेंट किया था रिटर्न फॉर्मेट में तो दैट इज योर डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी सोसाइटी कैन बी सी इन टर्म्स ऑफ एज ओवरऑल व्यू ऑफ सोसाइटी एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ ए स्पेसिफिक व्यू ऑन वेरियस एलिमेंट ऑफ द सोसायटी तो उन्होंने सोसाइटी की वेरियस अलग अलग एलिमेंट्स पे भी ध्यान दिया जैसे उन्होंने अलग से रिलीजन विलेज या कास्ट इन सब चीज़ों को पढ़ा ठीक है और एक जनरल व्यू जो है सोसाइटी का वो भी जनरेट करने की कोशिश की जिससे हम क्या करते हैं इंडियन सोसाइटी को समझते हैं उनके व्यू पॉइंट से तो उन्होंने जनरल व्यू ऑफ सोसाइटी भी दिया हमें और एक और उस सोसाइटी के अंदर की जो छोटे एलिमेंट्स हैं वेरियस एलिमेंट्स वेरियस पार्ट्स उनको भी स्टडी किया उसका जो उनका जो व्यू था सोसाइटी का वॉज दैट इंडियन सोसाइटी यूनिक है ठीक है इंडियन सोसाइटी यूनिक है दैट मीन्स इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए हमें ऐसी थियोरीज यूज़ करनी चाहिए जो पर्टिकुलर होंगे टू इंडियन सोसाइटी दैट मीनस हम सिंपल वेस्टर्न की थियरीज ला के उनको यहाँ पुट नहीं कर सकते हैं हमें इंडियन सोसाइटी को इसके कॉन्टेक्स में पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए उन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में कहा था हिंदू सोसाइटी है और हिंदू ट्रेडिशन को समझने के बगैर हम इंडियन सोसाइटी दैट इज़ ए हिंदू सोसाइटी इसको नहीं समझ सकते हैं उन्होंने एम्फोसाइज किया था अपन अंडरस्टैंडिंग द हिंदू ट्रेडिशन रात कोई solution, उनका था कि आप Hindu को समझो, तो ही आप अप्रोच जिनको कंबाइन किया था उसमें हिस्टोरिकल भी एक अप्रोच था उन्होंने कहा हमें सोसाइटी के ऑर्डर और चेंज को समझने की जरूरत है विलेज ट्राइब ऑब ऑर्गनाइजेशन वगैरह और आप चेंज को समझ सकते हो इन टर्म्स ऑफ चेंजिंग हिंदू ट्रेडिशन तो इस चीज़ पे उन्हें ज़्यादा फोकस नहीं किया कि ब्रिटिशर्स के का कोई खास मॉडर्न इन्फ्लुएंस रहा है इंडियन ट्रेडिशन पे वो चीज़ को उन्हें नेगेट किया ने कहा जो इंडियन ट्रेडिशन है वो इट्स इट इज़ चेंजिंग क्योंकि वो डिफ्यूज़ होता रहता है डिफ्यूजन जब होगा एक जगह से कल्चर दूसरी जगह आएगा तो वहां के कुछ एलिमेंट्स पिक करेगा फिर एक नया कल्चर बनेगा वो कहीं और डिफ्यूज हो जाएगा वहां के कुछ एलिमेंट्स पिक करेगा तो प्रोसेस ऑफ चेंज इंडियन ट्रेडिशन या हिंदू ट्रेडिशन बोल लो उसके अंदर हो रही है तो ऑर्डर एंड चेंज दोनों सोसाइटी में अंडरस्टैंड करने की कोशिश की और इस चेंज से आप बोल सकते उन्हें ब्रेक किया जो मिथ वेस्टर्न नोशन ने डेवलप करा था कि इंडियन सोसाइटी एक स्टैटिक सोसाइटी है एंड अनचेंजिंग सोसाइटी है ठीक है आगे अब चलते हैं इनके कास्ट की तरफ कास्ट का उन्होंने मेंशन किया है अपनी बुक में कास्ट एंड रेस इन इंडिया ठीक है इट इज़ रिगार्डेड एज ए क्लासिक इन दिस फील्ड तो अगर आप इस बुक का नाम भी याद रखोगे अच्छा रहेगा आपके आंसर राइटिंग अच्छी आ, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने ऑरिजिन ऑफ कास्ट दिया था उन्होंने कहा था कास्ट ऑरिजिनेट हुई थी फ्रॉम गैंगेटिक प्लेन्स गैंगेटिक प्लेन इज योर नॉर्दर्न एरिया जो है नॉर्दर्न प्लेन्स कहाँ पे आता है अगर यहाँ पे ये देख लो तो ये एरिया आपका गैंगेटिक प्लेन हो गया ठीक है यहाँ से इन्होंने कहा जो कास्ट है वो ऑरिजिनेट हुई तो कास्ट को लेके एक तो इन्होंने ऑरिजिनेशन ऑफ और कास्ट की बात की सेकेंड इन्होंने कास्ट को उन, उनके एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की इन्होंने कहा कास्ट के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं कुछ फीचर्स होते हैं जो आपको समझने की जरूरत है वो क्या एट्रीब्यूट्स हैं उन्होंने सिक्स फीचर्स दिए थे कास्ट के ठीक है पहला उसमें डिविजन ऑफ लेबर होता है ये हम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सारे प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन है कास्ट सिस्टम में हायर है थर्ड पॉइंट सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज़ है फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट इज हेरिडिटरी नेचर एंड सिक्स पॉइंट इज योग्रामी ठीक है तो ये काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं कास्ट के अगर जनरली भी कोई भी क्वेश्चन आ जाता है कास्ट से रिलेटेड तो उसका कंटेंट बनाने के लिए आप जी एस गुरेगा एट्रीब्यूट्स जो इन्होंने कास्ट के दिए थे या फीचर्स आप बोलो सिक्स फीचर्स जो कास्ट के दिए थे वो आप अपने आंसर में मैंशन कर सकते हो ठीक है पहले मैं एक चीज़ कर लेती हूँ मैंशन करने से पहले मैं इसकी इंक जो है वो चेंज करती हूँ कि काफी रेड रेड हो रहा है सारा अब ब्लू हो गया ठीक है तो क्या करना है आपको ये सारे जो डिविजन ये सारे जो फीचर्स हैं ये आपको अच्छे से याद रखने है कास्ट का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें आप गुरिए का आंसर लिख सकते हो गुरिए के एट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स जो है कास्ट सिस्टम के वो आप लिख सकते हो अपने आंसर्स में पहला हो गया डिविजन ऑफ लेबर बेसिकली कास्ट सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है लेबर को डिवाइड करता है हिंदू सोसाइटी में कैसे कास्ट को डिवाइड किया गया है चार कास्ट में है ये आपके ब्राह्मण्स हो गए सेकंड नंबर पे क्षेत्रियाज हो गए थर्ड नंबर पे वेशियाज हो गए एंड पेशवाज हो गए एंड फोर्थ नंबर पे शूद्राज हो गए ठीक है तो डिविजन ऑफ लेबर है जो काम जैसे पाठ पूजा का काम है वो ब्राह्मण्स करते हैं लड़ने का काम या प्रोटेक्ट करने का काम वो आपके वॉरियर क्लास करती है फिर आगे आपके ट्रेडर्स वगैरह बिजनेस क्लास वेशियाज एंड जो बाकी काम बचते हैं वो शूद्राज करते हैं तो एक काइंड ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर आपको सोसाइटी में मिलता है थ्रू कास्ट सिस्टम ये इसका फीचर है सेकेंड इज योर प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी एंड पोल्यूशन ठीक है ये हमें आगे भी पढ़ना है प्योरिटी एंड पोल्यूशन यहाँ पे भी आपको थोड़ा इसका इसके बारे में बताती हूँ बेसिकली नोशन है जो बताता है कास्ट सिस्टम का कि कुछ कास्ट जो है वो प्योर है और जैसे ही कास्ट के आप लैडर में नीचे नीचे आते जाओगे इसमें पोल्यूशन ऐड होता जाएगा इम्प्योरिटीज ऐड होती जाएंगी और जो लोवेस्ट रंग क्लास होगी वो सबसे ज़्यादा इम्प्योर होगी और जो हाएस्ट नंबर पर क्लास होगी जैसे आपके ब्राह्मन इन दिस केस वो द मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कास्ट है ठीक है तो ये भी का एक फीचर है एक हायरिटी होती है क्योंकि रैंक के बेसिस पे है रैंक तो टू पे है कोई रैंक थ्री पे है रैंक फोर्थ पे है फिफ्थ रैंक पे आपके आउटकास्ट या अनटचेबल्स आते हैं आउटकास्ट और अनटचेबल्स ठीक है उसके बाद सिविल एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज कास्ट सिस्टम में ऐसा भी होता है ना कि आप उस वेल से पानी नहीं पी सकते हो जिस वेल से एक ब्राह्मण पानी पीता है शूद्र वहां से पानी नहीं पी सकता है ठीक है तो ये सारी सिविल जैसे वो रोड जो है उस वो पक्का रोड या इनफैक्ट पुराने टाइम में क्या होता था कास्ट सिस्टम में अभी भी काफी जो विलेजेस है पुराने वहां होता होगा कच्चा हाउस पक्का हाउस होता है कच्चा हाउस जो होता है हाई कास्ट के लिए होता है पक्का हाउस जो होता है वो लो कास्ट के सॉरी कच्चा हाउस लो कास्ट के लिए और जो पक्का हाउस होता है वो सो so कॉल्ड हाई कास्ट के लिए होता है ठीक है और उन रोड्स पे आप नहीं जा सकते जिन रोड्स पे हाई कास्ट लोग जाते हैं तो ये सारी होती है जो सिविल डिसबिलिटीज कास्ट सिस्टम की वजह से इम्पोज की जाती है लोगों पर इनफैक्ट एक जगह ऐसा भी होता था अः uh, जो या सो तो कॉल्ड लोअर कास्ट थे उनको सफाई करनी होती थी क्योंकि तो सफाई का काम तो वही करते थे हाई कास्ट जहाँ पे रहते थे उस गांव में भी तो ऐसा बोला जाता था सुबह होने से पहले उनको क्या करना होता था जाके सफाई करनी होती थी एंड देन वो अपने पेट के एक थ्रेड टाई करते थे उस थ्रेड से वो एक पीछे एक झाड़ू लटक रहा होता था जैसे इंसान है पे एक थ्रेड किया और थ्रेड के पीछे एक झाड़ू लटकता था तो क्या होता है लो कास्ट वाला बंदा जब वो आगे आगे चलता था तो जो उसका पीछे उसके फुट स्टेप्स थे वो ब्रूम से साफ होते थे ठीक है तो इतना भी वो जो सोकॉल्ड हाई कास्ट लोग हैं वो टॉलरेट नहीं कर पाते थे तो एक्सट्रीमली ये सिस्टम जो है उसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए एंड रिलीजियस डिसेबिलिटीज अगेन टेम्पल्स अलग भगवान अलग ठीक है आप वो पूजा नहीं कर सकते वहां पे अगर कोई गलती से लो so, कास्ट का हाई कास्ट में कुछ खा भी लिया तो फिर वो गंगा जल से पूरे घर को छिड़कते थे, थे और वो सारी चीज आपको पता होंगी आई डोंट नीड टू गेट इनटू द डिटेल्स लेकिन इन्ह ने कहा ये भी एक फीचर था कास्ट सिस्टम का हेरिडिटरी नेचर नेचर ऑब्वियसली ब्राह्मण का जो बेटा है वो शूद्र तो नहीं बन जाएगा वो ब्राह्मण ही रहेगा एंड एंडोगेमी है कास्ट एंडोगेमी हमने पहले भी बोला है एंडोगेमी होता है आपकी शादी से रिलेटेड विद इन द ग्रुप जो शादी करते हैं तो कास्ट एंडोगेमी आपको विद इन द कास्ट ही शादी करनी होगी आप आउटसाइड कास्ट जाके शादी नहीं कर सकते हो तो ये छह फीचर्स हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है कास्ट को लेकर हर जगह आप यूज कर सकते हो जहां भी कास्ट रिलेटेड क्वेश्चन आया पहले हल्का सा आप डायग्राम में ऐसे जीएस घुरी के फीचर्स मेंशन करके नाम की जेस गुरी ने दिए हैं ऐसे करके जल्दी जल्दी से ये छह फीचर्स जो है लिख सकते हो इससे आपका आंसर जो है वो उसका एक अच्छा खासा कंटेंट तैयार हो जाता है ठीक तो गया उन्होंने और कास्ट एंड ट्राइब के बारे में भी उन्होंने बात की ट्राइब को उन्होंने बैकवर्ड हिंदूज कहा तो बेसिकली उन्होंने कहा जो ट्राइबल लोग हैं वो भी हिंदूज ही हैं तो वो किस लेवल का उन्होंने हिंदुइज़म अडॉप्ट किया है अकॉर्डिंगली या तो पार्शियली पार्शली हिंदूज है ठीक है या तो अगर बिल्कुल ही अडोप्ट नहीं किया है तो वो हिल सेक्शन वाले लोग आ गए तो वैसे भी उन्होंने ट्राइब के टाइप्स उस तरीके से दिए थे उनको रिलीजन से कोरिलेट करके कि कितनी ज़्यादा हिंदुआइजेशन ट्राइब्स में हुई है इस वजह से इनको बैकलैश भी फेस करना पड़ा लेकिन ये इनकी पॉलिसी थी और वो निगेट करते थे उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ने पॉलिसी दी थी वेरियर ओलविन वेरियर एल्विन के थ्रू वेरियर एलविन ने कहा था पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन कि आप ट्राइबल्स को जो है इनको ऐसे प्रोटेक्ट करो कि इनको आइसोलेट करो मेन स्ट्रीम से उनको मेन स्ट्रीम से आइसोलेट करो इनको अलग रखो तभी ये ग्रो कर पाएंगे लेकिन गुरे ये नहीं मानते थे ये कहते थे कि बैकवर्ड हिंदूज ही हैं और जितना जितना हिंदू सोसाइटी के अंदर इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे उतना इनमें हिंदुआइजेशन जो है वो इंक्रीज होगी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस भी ये प्रॉब्लम रही थी और फिर इसी को लेके कि कैसे इनकी इंटीग्रेशन होनी चाहिए हमारे पास जवाहरलाल जा, नेहरू ने एक पॉलिसी भी दी थी पंचशील इसको आप कंफ्यूज नहीं करना दूसरे उस फॉरन पॉलिसी से रिलेटेड ये जो पंचशील है ये आपका ट्राइबल के रिलेटेड है ये हमें आगे ट्राइब वाले चैप्टर में पढ़ना है ठीक है उन्होंने कास्ट को ही ऑल्सो टॉक्ट अबाउट द स्टेटस ऑफ कास्ट इन द मॉडर्न टाइम्स ही फॉर्मेशन ऑफ कास्ट हीशन एज स्प्रेडिंग ऑफ कास्ट कॉन्शियसनेस जिसको इन्होंने कहा कास्ट ठीक है अब जो कास्ट एसोसिएशन बनती हैं जैसे आपके जट ग्रुप्स होते हैं या दलित एसोसिएशन बनती हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं वो आपको रिअफर्म करवा रहे हैं अपनी आइडेंटिटी से अब आप शायद अवे नहीं करोगे खुद को दलित बोलने से बल्कि आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस बढ़ रही है हाँ मैं दलित हूँ मैं प्राउडली बोलता हूँ मैं दलित हूँ और मुझे कुछ राइट्स दे दो ठीक है तो वो इन कास्ट एसोसिएशन से होता है वो आपको कास्ट की आइडेंटिटी के साथ जुड़े रखते हैं तो उसको इन्होंने क्या बोला कास्ट पेट्रिएटिज्म ठीक है तो वो खुद इसको सपोर्ट नहीं करते थे वो अपोज करते थे और वो कहते थे इसकी डिसअपेरेंस जो है वो ग्रेजुअली हो जाएगी बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन एजुकेशन एक्सेट्रा तो वो अर्बनाइजेशन को बुरा नहीं मानते थे उनका इसको लेके कोई नेगेटिव व्यू पॉइंट नहीं था कहते थे अच्छा है जैसे जैसे अर्बन आप होते जाओगे कास्ट सिस्टम जो है वो डिक्लाइन होता जाएगा और उन्होंने साधु के बारे में बात की उन्होंने इंडियन साधु लिखा ठीक है उन्होंने इसको एक ऑर्थोडॉक्स पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन नहीं किया उन्हें रैशनल एक्सप्लेनेशंस दी उन्होंने कहा आज के जो कॉमन uh, लोग हैं ठीक है और कॉमन uh, पीपल और स्परिचुअल पीपल उसके बीच में सोशल लिंक प्रोवाइड करते हैं आपके साधुस तो साधु को, को, को लेके भी उन्होंने कोई बात की थी वो भी उन्होंने रेफ़र किया था इन दिस बुक गुरी एक्सप्लोर द जेनेसिस डेवलपमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दी एसेटिसम इन हिंदू रिलीजन कैसे वो एसेटिज्म uh, की जो अदर वर्ल्ड वाली क्वालिटी है वो कैसे रिलिजन में आई और रोल ऑफ साधुज और एसटिक्स जो हैं वो प्ले करते हैं इन द मेटेनेस ऑफ हिंदू सोसाइटी एसेटिक्स कौन होते हैं जिनका आपका इस मटीरियल वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं होता है वो क्या रोल प्ले करते हैं हिंदू सोसाइटी तो इसके बारे में भी इन्होंने बात करी थी हज़ व्यूज ऑन इंडियन ट्राइब्स फिर से हम इंडियन ट्राइब्स पे आते हैं बहुत तो इन्फ्लेंस बाईज हिंदू वे ऑफ लाइफ उनने रिजेक्ट किया था ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन ऑफ ट्राइब जो किसने दी थी वैरियर एलवन ने ठीक है उन्होंने कहा था ट्राइब जो है दे वर ऑलवेज इन कॉन्टैक्ट विद हिंदूज एंड देव एसिमिलेटेड दम सेल्स द मेन इन वेरियस डिग्रीज जो कम्प्लीटली एसिमुलेट uh, हो गए हैं उनको हिंदुआइज ट्राइब्स बोला जो पार्शली हो गए हैं उनको पार्शली हिंदुआइज ट्राइब्स बोला और जो अभी भी अलग है, उनको हिल सेक्शन बोला और ट्राइब्स को उन्हें क्या बोला था बैकवर्ड हिंदूज ये जो सारे की वर्ड है ये आपको याद रखने हैं ठीक है थीके? मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ तो उन्होंने आपको पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन दिया था वेरियर एलविन ने आपको दिया था आइसोलेशन और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पॉलिसी लाई थी पॉलिसी ऑफ इंटेग्रेशन थ्रू हिज पनशील प्रिंसिपल ठीक है अपार्ट फ्रॉ प्रोवाइडिंग अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द ट्राइबल सोसाइटीज उन्होंने कुछ स्पेसिफिक ट्राइब्स के बारे में भी लिखा जैसे कोलीज इन महाराष्ट्र ठीक है गुरु इज वर्क ऑन ट्राइबल सोसाइटी मेजरिटी ऑफ दब्लिड कॉलोनल एंथ्रोपोलॉजिस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्वर ऑफ दिन द सेपेट आइडेंटिटी ऑफ ट्राइब्स है इसको डिबंक किया था इस आइडिया को गुरिये ने और उसने डिबेट किया था विदेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट वेरियर एलवन ओवर दिस इशू जिन्होंने हमें पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन दी थी उन्होंने विलेजेस के बारे में भी बात की थी ऑल्सो एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन विलेज ऑफ इंडिया उन्होंने कहा था विलेज जो है वो सेंटर ऑफ सोशल लाइफ है और सेल्फ सफिशिएंट है इसको उन्होंने ब्रेक किया था इस मिथ को ठीक है स्टैटिक है वो भी ये नहीं मानते थे हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ विलेज इज मेनली ड्रॉन फ्रॉम द कास्ट सिस्टम ही हैड टोटली इग्नोर द एक्चुअल स्ट्रक्चर्स ऑपरेटिंग विद इन दिलेजेस विच वर हाईलाइटेड बाई वेरियस अदर स्कॉलर्स जैसे आपके एम एन श्रीनिवास वगैरह ने किया था थ्रू वेरियस प्रोसेस जो हमें आगे एम एन श्रीनिवास के इसमें हम देखेंगे उस वीडियो में ठीक है उन्होंने ही कंसिडर अर्बन एरियाज एज ए क्रेडल ऑफ इनोवेशन क्योंकि अर्बनाइजेशन को उन्होंने uh, उनका ऑप्टोमिस्टिक व्यू लिया था ठीक है उसको वो बुरा नहीं मानते थे कहते ग्रेजुअली कास्ट सिस्टम का इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा जैसे आपकी अर्बनाइजेशन बढ़ती जाएगी इन ऑल हिज वर्क गुर प्रोवाइडेड अ डिटेल हिस्टोरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द फिन दैट ही स्टडी ठीक है he didn't aim at providing grand theoretical frameworks ये बातें नहीं की थी but preferred to stick to detailed description of the social phenomena तो जिस भी चीज को उन्होंने पढ़ा है उसका उन्होंने हमें historical description in detail provide करा है he also took pride in nationalistic tradition and was reluctant to accept frameworks which were not developed in India उस चीज से कोई उनका लेना देना नहीं था और colonial rule का कोई modern modernizing influence रहा है Indian society पे वो भी नहीं मानते थे Guraj जो थे वो pioneer of the discipline of India and his contribution is a la as a landmark but he is often criticized Uh, इजिंग अब उन्होंने कास्ट सिस्टम को भी आपके फीचर्स वगैरह करके बताए तो सब प्रमो सपोर्ट नहीं किया पर उन्होंने सिंपली इसको कॉल आउट भी नहीं किया कितना डिह्यूमनाइजिंग है जैसे एग्जांपल्स मैंने आपको दी और अभी भी आप सोचो अभी भी कास्ट सिस्टम को लेके ऐसी सारी केसेस एग्जांपल सामने आते हैं तो पुराने जमाने में क्या ही बुरा हाल होता तो इन्होंने उस चीज़ को ज्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया ही फेल टू रिकगग्नाइज क्वालिटेटिव चेंजेस भी आई थी कॉलोनियल रूल के टाइम पे उस बारे में भी इन्हें ज्यादा बात नहीं की ही ऑल्सो फेल टू एक्सप्लोर द स्ट्रक्चरल इंप्लीकेशन ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन लाइक कास्ट एंड ही फोकस ओनली ऑन दी कल्चरल आस्पेक्ट ठीक है तो ये सारी चीजें जो है ये इनका थोड़ा क्रिटिसिजम बनता है फाइन ये था आपका जीएस एस गुरिये नेक्स्ट लेक्चर में हम अब नेक्स्ट हमारा स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव जो हमें एम एन श्रीनिवास का पढ़ना है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे एंड देन उसके बाद वाले वीडियो में हम मार्क्सिस पर्सपेक्टिव जिसमें हमें ए आर देसाई को पढ़ना है एंड देन यही थिंकर्स के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर कम्प्लीट हो जाएगा एक बार ही रिवाइज करते हैं हमने क्या क्या देखा गुरिये में देखो आपको कैसे करना है ये ऐसे थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे अगर आपको समझ में नहीं आएगा आपको इनके सेंट्रल पॉइंट्स इन्होंने किस किस बारे में बात की है वो सेंट्रल पॉइंट्स आपको कहीं ना कहीं नोट करने हैं ठीक है ठीके? तो पहले इन्होंने क्या बोला था इंडोलॉजिकल पर्सपेक्टिव क्लासिकल इंडोलॉजी को डिफ्यूजन ट्रेडिशन मिलाया था वो सारी बातें आपको पता है देन ने बात किस किस बारे में कि कल्चर जो था इनका सेंट्रल एलिमेंट था ठीक है इन्होंने एक अप्रोच ने कंबाइन किया था हिस्टोरिकल डिफ्यूजन डिस्क्रिप्टिव एथनोग्राफी को ये एक पॉइंट है इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बात की कि सेकंड पॉइंट पहले कल्चर सेकंड सोसाइटी कहा ये यूनिक है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए कॉन्सेप्ट एंड थियरीज पर्टिकुलर टू इंडियन सोसाइटी फाइन इन्होंने इंडियन सोसाइटी में और क्या क्या सब पॉइंट्स बनते हैं कि इंडियन सोसाइटी पहला हो गया यूनिक है ठीक है सेकेंड इन्होंने ऑर्डर एंड चेंज की बात की सोसाइटी में जिसमें ऑर्डर क्या होता है और चेंज क्या होता है ये आपका इंडियन सोसाइटी का बन गया थर्ड इन्होंने बात की किसके बारे में कास्ट के बारे में जिसमें इन्होंने कहा ऑरिजिन की बात की थी फर्स्ट आपका इसमें ऑरिजिन का बन गया सेकंड आपका इसमें क्या बन गया फीचर्स एट्रीब्यूशनल एस्पेक्ट्स यह आपका थर्ड पॉइंट है फोर्थ इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बात की जिनको बैकवर्ड हिंदूज़ बोला पॉलिसी ऑफ एसिमिलेशन इन्होंने दी थी कैसे एसिमिलेट करना है आपके हिंदू ट्राइब्स पार्शली हिंदू हिल सेक्शन वगैरह और कास्ट में और एक पॉइंट है कास्ट एसोसिएशन को लेके भी इन्होंने बात की थी और फोर्थ पॉइंट इन्होंने इंडियन साधुज़ को लेकर बात की ठीक है यह आपका ट्राइब्स ही हो गया उसके बाद इन्होंने विलेजेस के बारे में बात की यह आपका फिफ्थ पॉइंट बन गया बस और ये फिर आपका बाद में इसमें कंक्लूजन के कुछ पॉइंट्स पॉजिटिव नेगेटिव आप यहाँ से निकाल सकते हो तो क्या क्या देखा हमने इसमें हमने इसमें पहले कल्चर के बारे में इन्होंने बात की ठीक है सेकेंड इन्होंने इंडियन सोसाइटी के बारे में बात की थर्ड इन्होंने ट्राइब्स के बारे में बात की फोर्थ इन्होंने इंडियन साधु के बारे में बात की साधु फिफ्थ इन्होंने विलेजेस के बारे में बात की ऐसे करके आप अपने नोट्स बना सकते हो कि सेंट्रल पॉइंट्स क्या थे इनकी जो थियोरीज़ हैं या इनका जो व्यू पॉइंट है आइडियोलॉजी है उसके की कॉन्सेप्ट्स क्या थे ये की कॉन्सेप्ट्स है फिर ऐसे करके आप टेबल बना सकते हो कल्चर में इनने क्या क्या चीज़ें कही थी थे सोसाइटी में क्या कहा था कि ये यूनिक है ऑर्डर एंड चेंज की बात की थी ट्राइब्स में इन्होंने पॉलिसी की बात की थी ऑफ असम्बलेशन तो कैसे इन्होंने डिवाइड किया था ट्राइब्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था फिर इंडियन साधु लिंक प्रोवाइड करते हैं कॉमन ऑन स्पिरिचुअल पीपल के बीच में फिर विलेजेस जो है वो स्टैटिक नहीं है वो सेल्फ सफिशियंट नहीं है ठीक है और आ, हम कुछ मिस कर रहे आएंगे आई हाँ हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस की कास्ट कास्ट के बारे में इन्हें बात की है तो ऐसे करके फिर आप बना सकते हो अच्छा कास्ट में इन्होंने ऑरिजिन की बात की वो गैंगटिक प्लेन में ऑरिजिन हुए फिर फीचर्स की बात की इन्हें कास्ट एसोसिएशन की बात की जिसमें इन्होंने कास्ट पेट्रेटिज्म उसको बोला तो ये सारी चीज़ ऐसे करके अगर आप नोट्स बनाओगे फिर बोलो कि आप क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें मिस करोगे कोई चांस नहीं है आपको कुछ भी मिस करने का अगर आप ऐसे करके अपने नोट्स बनाओगे और ऐसे करके रिकॉल करने की कोशिश करोगे हर थिंकर का व्यू पॉइंट क्या है ठीक है तो आई गेस लेट्स स्टॉप इट हेयर क्योंकि अभी आपका एक इंडोलॉजी का पूरा कंप्लीट हो गया नेक्स्ट में हम एक फ्रेश टॉपिक से स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं डू गिव विथ थम्स अप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना आप मेल भी करते हैं थोड़ा एक्टिव रहें चैनल पर ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए बना के लेके आऊँ और जल्दी से सब्सक्राइब करो लाइक करो इस वीडियो को सो टिल द टाइम आई अपलोड नेक्स्ट वीडियो बाय टेक केयर हैवे अ ग्रेट टे